Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Section 86 says, in cases where an act done is not an offense, unless done with the particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Section 86 बात करता है उन जुराइम की जिन्हें करने के लिए पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर इंटेंशन का होना जरूरी होता है, और अगर उन जुराइम को किसी पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर इंटेंशन के तहत ना किया जाए तो ऐसी सूरत में वो जो जुराइम है वो जुराइम नहीं कहलाएंगे। तो सेक्शन 86 ये कहता है कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में कोई जुर्म करता है तो इसके साथ इसी तरह सलूक किया जाएगा गोया इसको वही इल्म था जो इसको नशा ना होने की हालत में होता। और साथ ही इसमें कंडीशन लिखी गई है कि मासवाय उन हालात के जो उसको नशा हुआ है वो उसकी ला इल्मी या खिलाफ मर्जी के तहत दिया गया हो, यानी कि सवाए इन हालात के जब उसको कोई नशे वाली चीज धोखे से दे दी गई हो या फिर गलती से दे दी गई हो तो ऐसी सूरत में सेक्शन 86 पिक्चर में नहीं आएगा। तो सेक्शन 86 ये कहता है कि जब कोई शख्स अपनी मर्जी से कोई नशा व चीज लेता है, शराब पीता है या अफ्यून इस्तेमाल करता है या चर्स इस्तेमाल करता है या हीरोइन इस्तेमाल करता है, वो ऐसे नशा व चीज लेने के बाद वो कोई जुर्म करता है तो उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि उसको नॉलेज थी। अगर बात की जाए कि सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में फर्क क्या है तो उसमें एक वाज़ह फर्क है कि सेक्शन 85 बात करता है उन तमाम एक्ट्स की जो कि कॉन्ट्रारी टू लॉ हों, जो कि खिलाफ कानून हों, जबकि सेक्शन 86 उन एक्ट्स की बात करता है जिन एक्ट्स के लिए पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन की जरूरत हो, यानी कि ऐसे जुराइम जिनको करने के लिए खास इल्म या नीयत का होना जरूरी हो उन जुराइम को सेक्शन 86 डील करता है, जबकि सेक्शन 85 तमाम जुराइम को जो कि खिलाफ कानून हो उन सबको डील करता है। सेक्शन 86 में एक और बात जो काबिल गौर है, अगर उस पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये उन जुराइम की बात कर रहा है जिनमें पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन का होना जरूरी हो, और वही जुराइम अगर कोई ऐसा शख्स करता है जो कि नशे की हालत में है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वो पर्टिकुलर इंटेंशन भी थी, क्योंकि पर्टिकुलर इंटेंशन तो उसकी मुकदमे के हालातों वाकियात और शातों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसमें हम सिर्फ ये कहेंगे कि उसकी वो पर्टिकुलर नॉलेज थी, उसके इल्म में था, अगर वो नशा ना करता तो फिर भी उसके इल्म में था, अगर वो नशे में उसने जुर्म किया तो फिर भी उसके इल्म में था। जैसा कि सेक्शन 86 में लिखा है, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि इसमें वादे तौर पर लिखा है कि सेम नॉलेज, इसमें इंटेंशन का जिक्र नहीं किया गया। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी शादी पर जाता है और वहां पे वो शराब पीता है, वो बेइंतहा शराब पीने के बाद वो हवाई फायरिंग शुरू कर देता है, और हवाई फायरिंग के दौरान कुछ गोलियां जाके कुछ अफसर को लग जाती हैं और वो वहां पे जान से हाथ धो बैठते हैं, ऐसी सूरत में ऐसे शख्स ने जो एक्ट किया है वो एक्ट करने के लिए पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंशन का होना जरूरी होता है, क्योंकि उसने किसी का कत्ल किया है। अब उस पर जब मुकदमा चलता है तो वो सेक्शन 85 या सेक्शन 86 का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों सेक्शंस में ये लिखा है कि जब कोई नशा कोई शख्स अपनी मर्जी से लेता है तो फिर ये दोनों सेक्शंस उस पर लागू नहीं होंगे। ये दोनों सेक्शन उसी वक्त लागू होंगे जब कोई नशा किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ दिया जाए। अब जब ऐसे शख्स ने फायरिंग की और इस फायरिंग के सिलसिले में तीन चार अफराद जान से हाथ धो बैठे तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन शामिल थी, बल्कि इसमें सिर्फ इसका पर्टिकुलर नॉलेज शामिल था, इंटेंशन इसकी शामिल नहीं थी। इसकी नीयत नहीं थी कि वो उन अफराद को मारता, इसने नशा अपनी मर्जी से किया, नशा करने के बाद इसने फायरिंग की,
तो इस तारीफ के मुताबिक यही लिखा गया है कि जब कोई शख्स नशा के बाद कोई ऐसा जुर्म करता है जिसके लिए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन का होना जरूरी है, जैसे कि इसने अफराद का कत्ल किया, तो इसको ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे इस शख्स ने वो जो जुर्म है वो पर्टिकुलर नॉलेज से किया, क्योंकि यहां पे लिखा है अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज। नॉलेज का जिक्र है यहां पे, इसमें इंटेंशन का जिक्र नहीं है। लिहाजा ऐसे शख्स को जो बेनिफिट मिलेगा वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मिलेगा, क्योंकि अगर ये नशे की हालत में ना होता तो फिर तो इसकी इसमें नियत भी शामिल थी, तो फिर ये होना था कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब क्योंकि इसकी इसमें नियत शामिल नहीं थी इसलिए ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा।